दुनिया की जमीनी हकीकत से कई बार तो परिचित कराया आपको, लेकिन आइए इस बार चलते हैं आपको आपको सपनों वाली नौकरी की दुनिया में ले चलते। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं पूछूं कि वह कौन सी नौकरी है जिसकी तमन्ना हर पिता अपने बेटे के लिए करता है, हर माँ अपने बेटे के लिए करती है, हर पत्नी अपने पति के लिए भी करती है, बहन अपने भाई के लिए करती है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बताएंगे? एग्जैक्टली सही चल रहे हैं आप, और कोई परीक्षा नहीं, जाके जो नहीं रहा IAS जिसका सीधे ताबका आपके आपको जिस ओहदे से होता है वो जिलाधिकारी। भारत के संविधान में इनका उल्लेख है, असीमित शक्तियों के स्वामी है ये। और वो अगर मैं टेक्निकली कहूं वैसे तो होता है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, बट अगर मैं कहूं आपसे व्यवहारिक रूप से तो इसका फुल फॉर्म होता है आई एम सेफ, नॉट ओनली आई एम सेफ बट माय रिलेटिव्स आर सेफ, माय जनरेशंस आर सेफ। आप अंदाजा लगाते होंगे कि जिस किसी परिवार में एक व्यक्ति IAS होता है ना, फिर कितने लोग उसका एडवांटेज लेते हैं। अच्छा एक बात आपको लग रहा होगा ना कि इतनी बड़ी दुनिया में ले चलने की बात मैं कर रहा हूं आपसे तो बहुत ही एग्जाम होगा, नहीं नॉट एट ऑल। मैं बताऊं सरप्राइजिंगली इस एग्जामिनेशन का सक्सेस रेट बाकी एग्जामिनेशन जैसे रेल का एग्जामिनेशन होता है, जैसे SSC का एग्जामिनेशन होता है, इन सब के सक्सेस रेट के थोड़े बहुत वाइब्रेशन के साथ है 0.21%। बीते 2-3 सालों से इसी के आसपास चल रहा है और बाकी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उनका भी एरिया कमोबेश यही है। दैट इज कोई एग्जामिनेशन कठिन नहीं होता, हाँ कुछ एग्जामिनेशन आसान होते हैं। आप मुझे बताओ कि वो कौन सा एग्जामिनेशन है जहां 55% व्यक्ति पाकर के टॉप कर जाता है और सबसे अच्छी रैंकिंग में आता है, कोई? ओनली द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, कठिन बिल्कुल नहीं है। कुछ भ्रांतियां रहती हैं, कुछ डर रहते हैं अपने भीतर, एक अपने कंफर्टेबल जोन को तोड़ने के, शायद उसी वजह से इसे कठिन बना दिया गया है। बट मैं बताऊं आई फील वेरी सरप्राइज जब मेरे इस हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के यंगस्टर्स डर के मारे IAS फॉर्म नहीं भरते, पीछे से शुरुआत करते हैं, जबकि ज्यादा बेहतर है, ज्यादा साइंटिफिक है, ज्यादा ट्रांसपेरेंट है एग्जामिनेशन। आइए देखते हैं एग्जामिनेशन के प्रोसेस क्या है। सी दिस एग्जामिनेशन कंटेन्स 3 वेरियस स्टेप्स। पहले स्टेप की शुरुआत होती है 12 मंथ ऑफ दिसंबर जब नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन आता है, UPSC जारी करती है दैट दिस मच ऑफ वैकेंसीज आर देयर, सो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, कोई अटेस्टेशन नहीं होता, कोई फीस की लंबी चौड़ी डिमांड नहीं होती। 2 पेपर आपको देने हैं जून के महीने में, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे दोनों, एक GS होगा और दूसरा होगा CSAT। GS मीन्स हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स, फाइन याद रखे ये कॉम्पिटिटिव होगा। 2 पेपर्स, 1 GS, 2 CSAT, बोथ कंटेन्स 200 मार्क्स। दिस इज कॉम्पिटिटिव, इसके नंबर जुड़ेंगे एग्जामिनेशन और ये क्वालिफाइंग है। कट ऑफ 70s के आसपास जाता है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि जिंदगी की राह में अगर आगे रहना सीखना है ना तो प्रीलिम्स में भी 85% से ऊपर करके आएंगे, क्योंकि ये वो टेक्निक है जिससे आप अगले दिन से मेंस की तैयारी शुरू कर देंगे। अगर आप लोअर पॉइंट्स पर रहेंगे तो आप 1-1.5 महीने पीछे हो जाते हैं। ओके फाइन, कम नाउ इट इज जुलाई, द एंड ऑफ जुलाई रिजल्ट आता है UPSC तरफ से और 1:10 इफ देयर इज 1 वैकेंसी है, 1 वैकेंसी थी तो 10 स्टूडेंट्स क्वालिफाई कराए जाते हैं आगामी मेंस परीक्षा में शामिल होने के लिए। एंड रिमेंबर इट प्लीज, अभी तक आप क्वालिफाइंग दायरे में थे, प्री के नंबर कहीं आगे जोड़े नहीं जाते। नाउ कम टू द मेंस एग्जामिनेशन। दिस एग्जामिनेशन इज डिस्क्रिप्टिव, दैट मीन्स
आपके शब्द और आपके भावों के बीच का तारतम्य कैसा है, एग्जामिनेशन इस बात का है। फाइन, अ सीरीज ऑफ पेपर्स आ गया, जैसे जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वन मोर सीसेट पेपर, यहां पर भी एक मेंटल स्ट्रक्चर वाला एक पेपर है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जनरल हिंदी पेपर इज देयर, जनरल इंग्लिश पेपर इज देयर, वेल इट इज क्वालिफाइंग। देन वन पेपर एसे दैट इज देयर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू टेक वन ऑप्शनल सब्जेक्ट। एक आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हो जो 500 मार्क्स का होता है, दो पेपर होते हैं, टेक इट फर्दर। एंड जस्ट होली के कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले रिजल्ट आता है मेंस का, और अब की बार क्वालिफाई कराए जाते हैं 1:1, 1:2.5। एक वैकेंसी के अगेंस्ट में 2.5 स्टूडेंट्स क्वालिफाई होते हैं। दिस इज योर पर्सनैलिटी टेस्ट, जहां पर वो देखना चाहते हैं आपकी थिंकिंग क्या है, हाउ डू यू रिएक्ट ऑन द सिचुएशन। सो प्लीज डू नॉट बी निगेटिव एट ऑल। वन थिंग, इस पूरी तैयारी के दायरे में आप पाएंगे कि आप पॉजिटिव होकर देखेंगे, चीजों की नए नए डायमेंशन मिलेंगे आपको। सेकंड, राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, बिकॉज मेंस राइटिंग प्रैक्टिस इज द की ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। अगर आपकी आंखों में सपना है अपने लिए कुछ करने का ना, तो आप ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप एक बड़े बदलाव का कारण बनना चाहते हो समाज में, वेल यू कैन डू इट, आप कर सकते। अगर आप 6 घंटे नियमता पढ़ सकते हो, अगर आप सब कुछ छोड़ सकते हो इस नई नौकरी के लिए, क्योंकि नौकरी नहीं है, पुनर्जन्म है, रिबर्थ है, आपकी जिंदगी के डेफिनेशन नए सिरे से लिखी जाएंगे, एंड अ वेरी इजी एग्जामिनेशन, सो यू आर वेलकम हियर। इस शुरुआत में, इस पहल में मैं स्वागत करता हूं आपका। मैं वादा करता हूं कि कोई टैलेंट गाइडेंस के बिना निराश नहीं। प्लीज जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सिविल सर्विसेज जनरल स्टडीज हिंदी, फॉर पीसीएस जनरल स्टडीज हिंदी। वी विल गिव यू इनफ मटेरियल, वी विल टेल यू दैट हाउ टू रीड, दैट इज द थिंग। बाकी हमें मालूम है दैट यू कैन डू एनीथिंग, ओनली यू पीपल कैन डू द मिरेकल। सो कम अराउंड विद मी, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रिपेयर टू बी ए स्टार ऑफ इंडिया, दैट इज IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। वेल सुन, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे आपसे। कैसे तैयारी करें, क्या सिलेबस है, बट तब तक के लिए संकल्पों के साथ इन्वॉल्व हो जाइए, हम होंगे कामयाब। शुक्रिया।